वहीं दुर्ग में मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल जारी। प्रदर्शन के चलते 16 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा, जिसमें जीरो रहा लेबर दिवस। विगत 4 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे मनरेगा अधिकारी कर्मचारियों की हड़ताल का असर अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा में दिखाई देने लगा है, जिसके तहत 16 वर्षों बाद सोमवार को छत्तीसगढ़ में मनरेगा के अंतर्गत किसी भी ग्राम पंचायत में एक भी मजदूर को काम नहीं मिला, जिसे जीरो लेबर दिवस के रूप में दर्ज किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए मनरेगा कर्मचारियों ने कहा कि उनके हड़ताल के चलते लगातार मजदूरों की संख्या में कमी आ रही थी और धीरे धीरे ये संख्या कम होते होते अब शून्य तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि अगर छत्तीसगढ़ सरकार ने मनरेगा कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो इसके परिणाम ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन के रूप में सामने आएंगे। गौरतलब है कि मनरेगा कर्मचारी अपनी एक सूत्रीय नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिसका सीधा असर ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे मनरेगा के कार्यों पर पड़ता दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में लगभग 15 दिन बीत जाने के बाद भी प्रदेश सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं किया जाना गंभीर समस्या का कारण साबित हो सकता है। इस संबंध में न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारी प्रदर्शन इस मांग पर है कि हमको सरकार नियमित करेंगे, ऐसे करके घोषणा पत्र में लिख के दिए, वो घोषणा पत्र को आज वो लागू करें। मैं मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि कब वो लागू करेंगे। जैसे उस समय आप घोषणा तो कर दिए कि नियमित किया जाएगा ऐसे करके, तो किस डेट पे आप हमको लागू करता है। कितना हमारे पंचायत अधिनियम है 1966, उसको हमारे सारे मनरेगा कर्मियों के लिए लागू करें, हमारी यही मांग है। हम सरकार की सारी योजनाएं जमीनी स्तर पर जी जान से पूरा लागू करते हैं, उनकी हर योजना का क्रियान्वयन हम लोग करते हैं, लेकिन हम ही आज लाचार हैं। हम अपने जनपद जाने आने में ही हमारा पूरा पैसा खर्च हो जाता है। हमको एक सम्मानजनक वेतन चाहिए, मानदेय नहीं चाहिए। अब हम मानदेय पर काम करने वाले नहीं हैं, हमको सरकार से वेतन ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने वादा किया था और वो आज अपना वादा निभाए। हम मुख्यमंत्री महोदय से यही निवेदन करते हैं कि अपनी वादा निभाए, जैसे किसानों के लिए अपना वादा निभाया, आज कर्मियों के लिए हमारे लिए वादा निभाए। जैसे अन्य कर्मियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनकी मांग पूरा कर रहे हैं, हमारी भी मांग पूरा करें। बहुत असर हुआ है और बहुत बड़े स्तर पर असर हुआ है। ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे प्रदेश में, जहाँ पूरे देश में लाखों लोग काम कर रहे हैं, आज हमारे छत्तीसगढ़ में जीरो मस्टर रोल है, यानी एक भी कर्मचारी, एक भी ग्रामीण को रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि ये भी स्थिति आ चुकी है कि अब ग्रामीण जो है वो पलायन की ओर अग्रसर हो चुके हैं, जाने लगे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि सरकार भी अब हमारी बात को समझने के लिए डेलीगेशन के तौर के लिए हमको बुला रही है। अभी हमारे प्रांत की टीम जो है वो डेलीगेशन के लिए गई हुई है, जानकारी भी अभी पूरी क्लियर नहीं हुई कि उनसे मुलाकात हुई है कि नहीं हुई है, कब होगी ये जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, हमारा जो अधिकार है वो हम तो ले के रहेंगे, और इसके चलते हमने जो अनिश्चितकालीन हड़ताल की है उसकी सफलता का पहला प्रमाण है हमारा मस्टर रोल जीरो होना। आज पूरे प्रदेश में मस्टर रोल जो है जीरो है, एक भी ग्रामीण को रोजगार नहीं मिला। इसके अलावा ग्रामीण दर दर भटक भी रहे हैं, जनपद जिला अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं उनके पास जाकर गुहार लगा रहे कि हमें काम चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये स्थिति है कि ग्रामीण स्तर के रोजगार सहायक से लेके हमारे स्टेट लेवल के जो उच्च अधिकारी है वो सारे एक सुर में, एक लाइन में, एक साथ खड़े हैं और वो भी अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए अग्रसर हैं। मनरेगा के अधिकारी कर्मचारियों की हड़ताल बदस्तूर जारी है। देखना होगा आने वाले दिनों में इसका असर कितना और कैसा दिखाई पड़ता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।